नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। लंबी उठापटक के बाद महाराष्ट्र में रविवार यानी 5 जनवरी को महा विकास अघाड़ी सरकार में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया। 30 दिसंबर को उद्धव ठाकरे सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में 36 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन अब जाकर विभागों का बंटवारा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पर्यावरण मंत्रालय मिला है। आरे जंगलों और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आदित्य ठाकरे कुछ समय से सक्रिय दिखाई दिए थे। 30 दिसंबर को जिन 36 मंत्रियों ने शपथ ली थी उनमें डिप्टी सीएम, 25 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री थे। उद्धव की टीम में अब कुल 43 मंत्री हैं, जिसमें 33 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हैं। इनमें कांग्रेस को 12 पद, शिवसेना को 15 और एनसीपी को 16 पद मिले हैं। पहले पोर्टफोलियो के बंटवारे पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में आम सहमति नहीं बन पा रही थी और विवाद की खबरें भी आई, इसी वजह से देरी भी हुई। पोर्टफोलियो के बंटवारों पर तीनों पार्टियों के बीच शनिवार रात लंबी चर्चा हुई। इसके बाद मंत्रियों और उनके विभागों की लिस्ट राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी गई, जिसे आज यानी रविवार सुबह मंजूरी मिल गई। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, एनसीपी के अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट को राजस्व और अशोक चव्हाण को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला है। एनसीपी के नवाब मलिक को अल्पसंख्यक विकास और छगन भुजबल को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। महा विकास अघाड़ी के 43 मंत्रियों और उनके मंत्रालय के बारे में जानिए। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सामान्य प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना और जनसंपर्क, कानून और न्याय और किसी भी अन्य मंत्रियों को जो मंत्रालय नहीं सौंपे गए हैं वो सीएम के पास हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास वित्त और योजना मंत्रालय है। सुभाष राजा राम देसाई उद्योग, खनन और मराठी भाषा। अशोक चव्हाण को सार्वजनिक कार्य, छगन चंद्रकांत भुजबल को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, दिलीप दत्तात्रेय वलसे पाटिल श्रम राज्य उत्पाद शुल्क, जयंत राजाराम पाटिल जल संसाधन और क्षेत्र विकास, नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक अल्पसंख्यक विकास और प्रतिभा कौशल विकास और उद्यमिता, अनिल वसंत राव देशमुख गृह मंत्रालय, विजय उर्फ बाला साहब भाऊ साहेब थोराट को राजस्व, राजेंद्र प्रसाद राव खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजेश अंकुश राव टोपे सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एम आर हसन मियान मुशरिफ ग्राम विकास, डॉक्टर नितिन काशीनाथ राउत ऊर्जा, श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड़ स्कूली शिक्षा, डॉक्टर जितेंद्र सतीश कुआवास, एकनाथ संभाजी शिंदे नगर विकास सार्वजनिक निर्माण, सुनील छत्रपाल केदार पशुपालन डेयरी व्यवसाय खेल और युवा कल्याण, विजय वेट्टीवार अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, मुक्त जातियां, खानाबदोश जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग कल्याण, नमक भूमि विकास, भूकंप पुनर्वास, अमित विलास राव देशमुख चिकित्सा शिक्षा सांस्कृतिक कार्य, उदय रविंद्र सामंत उच्च और तकनीकी शिक्षा, दादाजी दगड़ू भुस्क कृषि पूर्व सैनिक कल्याण, संजय दुलीचंद राठौर वन आपदा प्रबंधन सहायता और पुनर्वास, गुलाब राव रघुनाथ पाटिल जल आपूर्ति और स्वच्छता, केसी पड़वी आदिवासी विकास, संदीपान भूमरे रोजगार हमी उर्वरा, बाला साहेब उर्फ श्याम राव पांडुरंग पाटिल व्यापार, अनिल दत्तात्रेय परब परिवहन संसदीय कार्य, असलम रमजान अली शेख टेक्सटाइल, यशोमती ठाकुर महिला और बाल विकास, शंकर राव यशवंत राव गद्दाख मृदा और जल संरक्षण, धनंजय पंडित राव मुंडे सामाजिक न्याय और विशेष सहायता, आदित्य उद्धव ठाकरे पर्यटन और पर्यावरण। विभागों के बंटवारे से पहले तनातनी की खबरें आईं, कांग्रेस एनसीपी के बीच नाराजगी की खबरें आईं। एनसीपी और शिवसेना अपने कोटे से एक भी मंत्री पद कांग्रेस से अदला बदली करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अलावा राज्य मंत्री पद मिलने से नाराज शिवसेना के अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की खबर आई। हालांकि उन्होंने इस्तीफा जो है सीएम उद्धव ठाकरे या राज्यपाल को नहीं सौंपा। बाद में संजय राउत ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।